الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز, یہ سورہ تین کی آیتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یہ سورت ایسی ہے کہ بکثرت نمازوں میں پڑھی جاتی ہے, اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجدوں میں نماز ادا کرتے ہیں وہ بار بار یہ سورت سنتے رہتے ہیں, اور بہت سو کو یاد بھی ہوتی ہے. اس مبارک سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کی پیدائش کے بارے میں اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا ذکر بھی فرمایا ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے, لیکن جو لوگ ان صلاحیتوں کو غلط استعمال کرتے ہیں اور ان کو صحیح طور پر کام میں نہیں لاتے, ان کا انجام یہ ہے کہ وہ بدترین مخلوق بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, لیکن اگر انسان اپنی صلاحیتوں کو غلط استعمال کرے تو پھر وہ بدترین مخلوق بن جاتا ہے, اور اس انجام سے بچنے کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کریم میں بیان فرمایا کہ وہ ہے ایمان اور عمل صالح. اور یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ مضمون کہ انسان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے, بہترین طریقے پر اس کی تخلیق ہوئی ہے,
लेकिन सलाहियतों को गलत इस्तेमाल करने के नतीजे में वो बदतरीन मखलूक बन जाता है। ये बात अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि शुरू से तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ये पैगाम इंसानियत को पहुंचाते रहे हैं। ये इस सूरत का खुलासा है, जो इसका मरकजी मफहूम है वो ये है। लेकिन कुरान करीम ने इस बात को बड़े बलीग और मौसर अंदाज में बयान करते हुए फरमाया कि वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन, पहले तीन चीजों की कसम खाई। कसम है इंजील की और कसम है जैतून की और कसम है कोहे तूर की जो सहराए सीना में वाक है। इन तीन चीजों की कसम खाकर बारी तआला ने आगे बात इरशाद फरमाई है कि लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, हमने इंसान को बेहतरीन तकवीम के साथ पैदा किया है, बेहतरीन क़वाम के साथ पैदा किया है। ये बात कि इंसान को बेहतरीन क़वाम के साथ पैदा किया है, ये कहने के लिए तीन कसमें खाई हैं, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, कसम है सहराए सीना के कोहे तूर की और कसम है इस अमन वाले शहर की यानी मक्का मुकर्रमा की। अब इन कसमों का क्या मतलब है, इंजीर की कसम और जैतून की कसम? पहली बात तो ये समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला को अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए कोई कसम खाने की जरूरत नहीं। कसम आमतौर से वो सब खाता है कि जिसकी बात पर लोगों को भरोसा ना हो, अंदेशा हो कि वो गलत कह रहा हो, तो फिर वो कसम खाकर अपनी बात की ताईद करता है और उस अपनी बात के अंदर जोर पैदा करता है और उस लोगों को यकीन दिलाता है। अल्लाह जल्ला जलालहू अगर कोई बात इरशाद फरमाए तो उसमें किसी भी उस शख्स को जो अल्लाह ताला पर ईमान रखता हो किसी शक को सुबह की गुंजाइश नहीं होती, लिहाजा अल्लाह ताला को कसम खाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बाज़ात अल्लाह तबारक व तआला कसम खाते हैं इस गरज से ताकि सुनने वाले के दिल में आने वाली बात की अहमियत पैदा हो और जिस तरह इंसान आपस में कसम खाकर यकीन दिलाते हैं एक दूसरे को, तो अल्लाह तबारक व तआला उसी अंदाज में इंसान से खिताब करते हुए उसको यकीन मजीद यकीन दिलाने के लिए, मजीद ताकीद के लिए बाद औकात कुरान करीम में मुख्तलिफ चीजों की कसमें खाई हैं अल्लाह ताला ने। और आम तौर से यह हुआ है कि जिस चीज की कसम खाई जाती है वो अगर गौर किया जाए तो जो बात कसम के बाद कही जा रही है उसकी दलील होती है। यानी अगर तुम इस पर गौर करो तो हम आगे की बात जो कहने वाले हैं उसकी तुम्हें शहादत इन चीजों से मिल जाएगी जिन चीजों की हम कसम खा रहे हैं। तो ये और अरबी जबान की बलागत और फसाहत का भी एक तकाजा यह होता है कि कलाम में जोर पैदा करने के लिए, ताकीद पैदा करने के लिए, मुअस्सिर बनाने के लिए कसमें खाई जाती हैं। तो प्यार फरमाते हैं कि जिसके जिससे कलाम में जोर पैदा हो। तो यहां जो कसम खाई है इंजीर की खाई है, जैतून की खाई है, तूर सीनीन यानी कोहे तूर की खाई है और हाजल बलदिल अमीन यानी इस अमन वाले शहर यानी मक्का मुकर्रमा की कसम खाई है। हजरत मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि दरहकीकत
अगर गौर किया जाए तो ये तीन चीजों की कस्में जो हैं, ये तीन मुख्तलिफ अंबियाए किराम की तालीमात की तरफ इशारा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जहां पैदा हुए थे और जहां उन पर इंजील नाजिल हुई और जहां उन्होंने अपनी दीन की दावत और तबलीग फरमाई, वो फलस्तीन का इलाका है। और फलस्तीन वो इलाका है कि जहां इंजीर और जैतून बकसरत पैदा होते हैं। सारी दुनिया में उस वक्त कम से कम सबसे बेहतरीन इंजीर और सबसे बेहतरीन जैतून और सबसे ज्यादा वाफिर तादाद में फलस्तीन के अंदर पाए जाते थे। तो तीर और जैतून यानी खजूर और जैतून, अंजीर और जैतून से दरहकीकत इशारा है उस सरजमीन की तरफ जहां ये दो फल कसरत से पैदा होते हैं, यानी फलस्तीन। और फलस्तीन का हवाला देकर इशारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो पैगाम लेकर आए थे उसकी कसम खाई जा रही है दरहकीकत। उसके बाद तूरी सीनीन, सहराए सीना में तूर का पहाड़ है। ये वो पहाड़ है जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। अल्लाह तबारक व तआला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए और उसी कोह तूर के ऊपर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई गई तख्तियों की शक्ल में। तख्तियों पर लिखी हुई थी तौरात, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई गई। तो तूर सीनीन का हवाला देकर इशारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की तरफ और उन पर उतारी हुई किताब तौरात की तरफ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात की तरफ। तो तीर और जैतून से इशारा हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात की तरफ, तूर सीनीन से इशारा हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात की तरफ, और वहावल बलदिल अमीन, और ये अमन वाला शहर यानी मक्का मुकर्रमा, इससे इशारा है हुजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ। क्योंकि आप मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, मक्का मुकर्रमा ही में आपके ऊपर वही नाजिल होने का आगाज हुआ, और मक्का मुकर्रमा ही के एक पहाड़ यानी गारे हिरा में अल्लाह तबारक व तआला पर ने कुरान करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाना शुरू किया। तो उससे इशारा है हजरत नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आप पर नाजिल होने वाली किताब यानी कुरान की तरफ। गोया इन तीनों शरीयतों का हवाला देकर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि आगे जो बात कही जा रही है वो बात है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी उम्मतों को पहुंचाई थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी पहुंचाई थी, और खुद नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पहुंचाई है। तो इस तरह तीनों शरीयतों का हवाला अल्लाह तबारक व तआला ने देकर उसकी कसम खाई है। यहां एक बात और भी समझ लेने की है, वो ये कि जैसा मैंने अभी अर्ज किया कि कसम अगरचे इंसान इसलिए खाते हैं ताकि लोगों को उस बात का यकीन आ जाए, लेकिन साथ ही शरीयत में हुक्म यह है कि कसम अगर कभी खानी पड़ जाए, अव्वल तो कसमें खाना, ज्यादा कसमें खाना यह अच्छी बात नहीं है इंसानों के लिए। आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए कसमें खाना बिला वजह कोई अच्छी बात नहीं है। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हिदायत किया था, फरमाई है कि ज्यादा कसमें खाने से बचो।
क्योंकि जो आदमी ज्यादा कस्में खाने का आदि बन जाता है तो वो बसा औकात झूठ सच की भी परवाह नहीं रहती उसको। और इंसान है वो अगरचे चाहे वो सच्ची बात पर भी कसम खा रहा हो लेकिन अल्फाज में कुछ कमी बेशी हो जाती है, उसकी वजह से वो कसम झूठी पड़ जाती है। तो इस वास्ते सच्ची कसम खाना भी कोई पसंदीदा बात नहीं है, बिला वजह सच्ची कसमें नहीं खानी और सच्ची कसमें भी नहीं खानी चाहिए, और झूठी कसम खाना तो बहुत ही बड़ा गुनाह है। और अगर कभी जरूरत पड़ जाए कि वहां पर कसम खाना ही पड़ जाए तो जायज है, लेकिन कसम वही जायज है कि जो या तो अल्लाह तबारक व तआला की कसम खाए कोई शख्स या कुरान करीम की कसम खाए, बाकी और किसी चीज की कसम खाना शरीयत में जायज नहीं। अल्लाह की कसम खाई जा सकती है, अल्लाह ताला की कसम, अल्लाह ताला के कलाम की कसम खाई जा सकती है यानी कुरान करीम की कसम, लेकिन और किसी मखलूक की कसम खाना, चाहे वो कितना ही बड़ी कितना बड़ा पैगंबर हो, वली हो, कोई हो, उसके नाम की कसम खाना शरीयत में जायज नहीं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो जाहिलियत में यह तरीका बहुत ज्यादा रवाज पाया हुआ था कि लोग अपने बाप की कसम खाते थे, मेरे बाप की कसम, मेरी मां की कसम, और लोगों की जबानों पर यह बात चढ़ी हुई थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा ला तहलिफू बि आबाइकुम, अपने बाप का नाम लेकर कसम मत खाओ, अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना जायज नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ही की कसम खाई जा सकती। लेकिन यह हुक्म हमारे लिए है जो मखलूक है, हम उनके लिए है जिनको अपने बाप का यकीन दिलाने के लिए कसम खाने की जरूरत पेश आती है, और जिनको अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला का नाम बतौर कसम इस्तेमाल करने की जरूरत पेश आती है, उनका यह हुक्म है कि वो सिवाय अल्लाह के किसी और चीज की कसम नहीं खा सकते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को कसम खाने की तो जरूरत ही नहीं है सरे से, लेकिन जब वो कसम खाते हैं इस बुनियाद पर कि जिस चीज की कसम खाई जा रही है उस पर गौर करोगे तो आगे वाली बात साबित हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत सी ऐसी चीजों की भी कसमें खाते हैं कि जो मखलूकात में से हैं, जैसे यहां पर अंजीर की कसम खाई, जैतून की कसम खाई, कोहतूर की कसम खाई, तो ये सारी मखलूकात है, अल्लाह तबारक व तआला बालोकात उनकी कसमें भी खा लेते हैं, वो दरहकीकत कलाम में जोर पैदा करने के लिए, ताकीद पैदा करने के लिए होता है, लेकिन हमारे लिए सिवाय अल्लाह के किसी और की कसम खाना जायज नहीं है। तो इन तीन चीजों की कसमें खाकर अल्लाह तबारक व तआला एक हकीकत बयान फरमाते हैं कि लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, यकीनी तौर पर हमने इंसान को पैदा किया है सबसे बेहतरीन तकवीम के साथ, सबसे बेहतरीन क़वाम के साथ, सबसे बेहतरीन तरकीब के साथ, यानी इस कायनात में जितनी मखलूकात पाई जाती हैं वो चाहे चांद हो, सूरज हो, आसमान हो, जमीन हो, बादल हो, हवाएं हो, समंदर हो, दरिया हो, पहाड़ हो, उन और दूसरे हवानात हैं, उन सब के मुकाबले में सबसे बेहतरीन सांचा जो हमने बनाया है, सबसे बेहतरीन तरकीब से जो मखलूक तैयार की है वो इंसान है। इससे ज्यादा हसीन, इससे ज्यादा बेहतरीन कोई और मखलूक नहीं है जैसा कि हमने इंसान को पैदा किया। ये अल्लाह तबारक व तआला जो खालिक है पूरी कायनात के, जिन्होंने इस कायनात का जर्रा जर्रा जिनकी मशीयत से पैदा हुआ है, जिनकी कुदरत से पैदा हुआ है, वो ये फरमा रहा है कि हमने पूरी कायनात में इतना बेहतरीन कोई और मखलूक पैदा नहीं की जैसे कि इंसान। अगर आप इंसान ही के ऊपर, इंसान के जिस्म के ऊपर गौर करो सर से लेकर पांव तक, तो हकीकत में
अल्लाह ताला के इस इरशाद की एक एक बाल से एक एक बुने मुंह से इसकी तस्दीक होती है। सर से लेकर पांव तक इंसान का जो वजूद है, इनमें सहर और उज्व कायनात है। जो लोग तस्वीर अबदान और इल्मे तुब से वाकिफ होते हैं उनको यह हकीकत वाजे होती है कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया है, किस तरह उसका दिमाग बनाया है, किस तरह उसका दिल बनाया है, किस तरह उसकी आंखें बनाई हैं, किस तरह उसकी नाक बनाई है, किस तरह उसके जिस्म के अंदर रगें फैलाई हैं और उन रगों के जरिए खून पहुंचाया है, और किस तरह उसका चेहरा ऐसा बनाया है कि उस चेहरे के अंदर एक फुट एक बालिश का चेहरा, और अरबों पदमों इंसान अल्लाह तबारक ने पैदा किए, लेकिन दोनों में दो इंसानों की शक्ल एक जैसी नहीं होती, हर एक में कुछ फर्क है। पहचान लेते हैं आप कि ये फला चक है, ये फला चक, हालांकि वही आंख है, वही नाक है, वही मुंह है, वही माथा है, वही पेशानी है, वही सर है, सभी कुछ है, वही है, लेकिन जरा जरा सा फर्क पैदा करके अल्लाह तबारक व तआला ने इम्तियाज पैदा कर दिया है कि किस तरीके से ये अहसन तकवीम अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी। और दुनिया के अंदर हैवानात है, कोई पेट के बल चलता है तो पेट के बल हसरातुल अर्ज कीड़े मकौड़े पेट के बल चलते हैं, वो खड़े नहीं हो सकते। कोई ऐसे है कि चार पांव पर चलते हैं तो चार पांव पर के बगैर उनका गुजारा नहीं, लिहाजा वो अगर खड़ा होना चाहे सीधा खड़ा होना चाहे सीधा खड़ा नहीं हो खड़े नहीं हो सकते। कुछ ऐसे हैं कि जो दो टांगों पर, ये दो ही परिंदे हैं कि दो ही टांगों पर, लेकिन वो भी उचक उचक कर चलते हैं, खड़े होने की उनके अंदर सताहत नहीं। ये एक वाहिद मखलूक है इंसान जो खड़ा होना चाहे तो खड़ी हो जाए, बैठना चाहे तो बैठ जाए, लेटने चाहे तो लेट जाए। और बुजुर्गों ने फरमाया कि ये सिर्फ इंसान है कि इंसानी एक ऐसी मखलूक है कि जो पूरी नमाज पढ़ने पर कादिर है, कयाम वो कर सकती है, रुकू वो कर सकती है, सजदा वो कर सकती है। और जितनी मखलूकात हैं, फर्ज करो कि अगर गाय भैंस को देखो, बकरियों को देखो, तो वो खड़ी नहीं हो सकती, जब खड़ी नहीं हो सकती तो रुकू कैसे करें और सजदा कैसे करें। तो ये कयाम रुकू और सजदा ये सिर्फ इंसान ही कर सकता है, इंसान के अलावा कोई मखलूक इस कायनात में ऐसी नहीं है जो सही माना में कयाम कर सके, सही माना में रुकू कर सके, सही माना में सजदा कर सके। अल्लाह तबारक व तआला ने यह मखलूक ऐसी बनाई है कि चलती है, बैठती भी है, खड़ी भी होती है, लेटती भी है, रुकू भी करती है और सजदा भी करती है। गरज सारी मखलूकात से अफजल तरीन सलाहियतें अल्लाह तबारक व तआला ने इस मखलूक को अता फरमाई। फिर और मखलूकात चाहे देखने में कितनी खूबसूरत मालूम हो, लेकिन जितनी मखलूकात है हैवानात की फर्ज करो तो उनमें अकल नहीं, समझ नहीं, अच्छे बुरे की तमीज नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अच्छे बेहतरीन आजा से नवाजने के बाद उसको अक्ल भी अता फरमाई कि वो अच्छे बुरे की तमीज कर सकती है, कौन सा काम बेहतर है, कौन सा काम बुरा है, उसकी तमीज पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल भी अता फरमाई। तो सारी कायनात में सबसे बेहतरीन सलाहियतों वाली मखलूक अगर कोई है तो इंसान है। अपनी इसी अक्ल के नतीजे में इंसान जो है अपने से ज्यादा ताकतवर मखलूकात को अपने ताबे कर लेता है। गाय भैंस है, अगर ताकत के अतबार से देखो तो इंसान से कई पता नहीं कितने गुने ज्यादा ताकतवर है। घोड़ा है, कितनी ज्यादा ताकतवर वाला है, ताकत वाला है।
लेकर एक बच्चा बैठ जाता है उसके मुंह में लगाम डालकर और जो जहां चाहे उसको ले लिए फिरता है। तो यह अकलता ने एक ऐसी चीज दे दी है जिसने उसके नतीजे में सारी मखलूकात के ऊपर उसको फौकियत और फजीलत हासिल है। तो इसलिए फरमाया कि सारी कायनात में हमने इंसान को बेहतरीन तकवीम के साथ पैदा फरमाया। और इसमें एक लतीफा भी है कि वाकया लिखा है कि एक मरतबा एक शख्स अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ था और बीवी के हुसन की तारीफ करते हुए या किसी तरह उसके दिल में कोई ख्याल आ गया तो मुंह से ये जुमला निकल गया कि अगर तुम चांद से ज्यादा हसीन ना हो तो तुम्हें तलाक, अगर तुम चांद से ज्यादा खूबसूरत ना हो हसीन ना हो तो तुम्हें तलाक, ये मुंह से निकल गया उसको। बाद में बड़ा पछताया कि अब ये साबित करना कि ये चांद से ज्यादा खूबसूरत है मेरी बीवी ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो इसलिए मेरी बीवी पर कहीं तलाक ही वाकई ना हो गई हो। तो अब परेशान हुआ, परेशान होकर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया या इमाम बनीफा के पास, इनमें से किसी का वाकया है, उनसे कहा कि हजरत मैं इस मुश्किल में फंस गया हूं, मैंने बीवी को यह कह दिया है कि अगर तुम चांद से ज्यादा खूबसूरत ना हो तो तुम्हें तलाक, तो क्या करूं? उन्होंने फरमाया कि नहीं नहीं कोई तलाक वाकई नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि कोई भी मखलूक इंसान से ज्यादा आसन नहीं हो सकती, और चांद हो या सूरज हो या आसमान जमीन की कोई और मखलूक हो वो इंसान से ज्यादा बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि कुरान कहता है कि लकद खलकनल इंसान अफी आसन तकवीम, हमने इंसान को अहसन तरीन तकवीम में पैदा किया है। लिहाजा चांद से यकीन आसन है, अल्लाह तबारक ने ऐसा उसको पैदा किया, लिहाजा तुम्हारी बीवी पर कोई तलाक वाक नहीं हुई। गरज यह कि अल्लाह तबारक फरमा रहे हैं कि हमने इंसान को कायनात की सबसे ज्यादा हसीन सबसे ज्यादा अफजल मखलूक बनाया है, अशरफुल मखलूकात उसको बनाया है, बशर्ते कि वो अपनी सलाहियतों को सही इस्तेमाल करे। आगे फिर उसकी तफसील बयान फरमाई कि अगर इस्तेमाल न करे तो क्या अंजाम होता है और सलाहियतों को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। अल्लाह तबारक व तआला हमें यह समझ अता फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा अफजल बनाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस अफजलियत का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए कि हम इंसान बनकर जिंदगी गुजारें, कुत्ते बिल्ली बनकर ना गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। वाखिर इंशाल्लाह बाकी हिस्से की तरफ तशरी अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई तो अगले किसी बयान में अर्ज करूंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।